हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी खुशबू माय चैनल नेम इज़ फैशनेबल गर्ल्स सो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप क्या सब बहुत अच्छे होंगे सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ एक बॉडी लोशन का रिव्यू शेयर करूंगी एंड ये जो बॉडी लोशन है इसके बारे में आप लोग को सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगी जो बॉडी लोशन है ये मैंने कौन सा बॉडी लोशन परचेज़ किया है एंड ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है? या ऑफलाइन परचेज़ करा है कितनी एमआरपी में मैंने परचेस करा है कितने ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस परचेस किया या फिर कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में परचेज़ किया है सो so गाइज ये जो बॉडी लोशन है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं एंड ये विंटर सीजन के लिए कैसा बॉडी लोशन है तो गाइज अगर आप लोग अपने लिए कोई अच्छा सा बॉडी लोशन देख रहे हैं और अगर आप लोग अपने लिए विंटर सीजन के लिए अच्छा सा बॉडी लोशन परचेस करना चाहते हो तो वीडियो मैंने तक जरूर बने रहेगा सो गाइज जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर दे सब्सक्राइब पेलाइकन पे कर दे प्रेस ताकि मैं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे सो गाइज विदाउट एनी मोर डिले इट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम बात करते हैं पे इस बॉडी लोशन की पैकेजिंग के बारे में कि हम इसकी पैकेजिंग किस टाइप की के कैसी मिल जाती है तो यू कैन सी गाइस आप लोग देख सकते हैं हमें इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की मिल जाती है और आप लोग इसका बॉक्स देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो बॉडी लोशन है ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया और ये इसका पूरा जो बॉक्स है पूरा हमें ब्राउन कलर का बॉक्स मिल जाता है फ्रंट साइड से भी एंड बैक साइड से भी पूरा ये ब्राउन कलर का बॉक्स है इसका एंड गाइज फ्रंट साइड पर इस पर व्हाइट कलर की स्लिप लगी हुई है एंड इस स्लिप पे uh, यहाँ का एड्रेस मैंशन कर रखा है जहाँ पर मैंने मंगाया है और जहाँ से ये आया है वहाँ का एड्रेस मैं कर रखा है प्लस इसके की बॉडी uh, लोशन की एम दे रखी है अब ओपन करते हैं एंड ओपन करके देखते हैं अंदर से हमें बॉडी लोशन किस टाइप का कैसा मिल जाता है तो गाइज हमें इसके साथ बॉडी लोशन के साथ इसका बिल भी दे रखा है आप लोग देख सकते हैं तो अगर हम ऑफलाइन भी कोई चीज परचेज करते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो हमें उसके साथ उसका बिल जरूर मिलता है तो यहाँ पे इस बॉडी लोशन के साथ में उसका बिल मिल रखा है बॉडी लोशन आप लोग देख सकते हैं यू कैन सी कुछ इस तरह का इस टाइप का मेरे को बॉडी लोशन मिल जाता है एंड आप लोग देख सकते हैं जो बॉडी लोशन है ये है जॉय का बॉडी लोशन एंड गाइज बात करते हैं इस बॉडी लोशन की पैकेजिंग के बारे में कि हमें इसकी पैकेजिंग किस टाइप से कैसे मिल जाती तो है तो गाइज़ आप लोग देख ही सकते हैं हमें इसकी पैकेजिंग रेड एंड व्हाइट कलर की मिल जाती है इसकी जो कैप है ऊपर की वो हमें रेड कलर की मिल जाती है एंड इसकी पूरी बॉडी व्हाइट कलर की मिल जाती है तो रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में हमें ये बॉडी लोशन मिल जाता है आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से इसका डिज़ाइन है बॉडी की शेप में इसका डिज़ाइन दे रखा है साइड से अब बात करते हैं गाइस की इस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी अब बात कीजिए इसके फुल नेम की कि हमें इसका पूरा नाम क्या मिल जाता है तो पूरा नाम इसका जॉय स्किन फ्रूट्स फ्रूट मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन तो गाइज ये हमें जॉय का बॉडी लोशन मिल जाता है एंड गाइज़ इस पर लिखा है विद जोजोबा एंड आलमंड ऑयल तो इसके अंदर हमें जोजोबा एंड आलमंड ऑयल मिल जाता है तो गाइज़ आप लोग को सभी को पता है कि जोजोबा एंड आलमंड ऑयल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए तो अगर इस वाले बॉडी लोशन में जोजोबा एंड आलमंड ऑयल मिक्स है तो बहुत अच्छा बॉडी लोशन है ये हमारी स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए हमारे फेस के लिए तो ये जो बॉडी लोशन, लोशन है ये फ्रूट का बॉडी लोशन है एप्पल की इमेज बनी हुई है एंड बात कीजिए इसकी क्वांटिटी की तो तो ये तो हमें 300 हंड्रेड मिल जाता है इसकी क्वांटिटी यहाँ साइड कॉर्नर में लिखी हुई है 300 हंड्रेड तो ये चीज़ की फ्रंट साइड पे लिखी थी अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की कि इसकी बैक साइड पे क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी है बात करते हैं इसके एमआरपी की एमआरपी है इसकी टू तो टू इसकी एम दे रखी है एंड बात की जाए इसकी शेल्फ लाइफ की तो इसकी शेल्फ लाइफ है इसकी जो मैनुफैक्चरिंग डेट है वो है 2022 एंड इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 2025 तो हमें इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी खासी मिल जाती है नेक्स्ट इस पर लिखा है इंटेंसिव केयर बॉडी लोशन विद एक्टिव फ्रूट बूस्टर्स विच मॉइस्चराइज एंड सॉफ्टेंस स्किन लिविंग नो साइंस ऑफ ड्राइनेस एंड इस्ट विद एप्पल एक्सट्रैक्ट जोजोबा एंड आलमंड ऑयल इट रेविटलाइज स्किन योथफुल ब्यूटी रिजल्ट इन सॉफ्टर सिल्की यंगर लुकिंग स्किन हमें इस बॉडी लोशन के अंदर फ्रूट बूस्टर्स मिल जाता है जो कि हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रखता है एंड uh, हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट बनाने का काम करता है ये बॉडी लोशन ड्राइनेस को ये बॉडी लोशन दूर करता है एंड uh, इसके अंदर हमें एप्पल एक्सट्रैक्ट्स मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए जो जो बामंड ऑयल मिल जाता है ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर हम इस वाले बॉडी लोशन को अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है सिल्की बनाता है यंगर एंड लुकिंग बनाता है बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की कि हमें इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो गाइज हमें इसके अंदर वाटर मिल जाता है मिनरल ऑयल मिल जाता है ग्लिसरीन मिल जाता है हमें इसके अंदर डी सोडियम ए मिल जाता है हमें इसके अंदर फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिल जाता है हमें इसके अंदर जोजोबा ऑयल मिल जाता है आलमंड ऑयल मिल जाता है एंड परफ्यूम मिल जाता है तो इस तरह के काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इस वाली बॉडी लोशन में मिल जाते हैं एंड जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं सो so, नेक्स्ट इस पर लिखा है डायरेक्शन फ़ॉर यूज़ यानी कि हम इस वाले बॉडी लोशन को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो इस पर लिखा है अप्लाई डेली ऑल ओवर द फेस एंड बॉडी तो गाइज़ ये बॉडी लोशन है बट इस वाले बॉडी लोशन को हम फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे पर्सनस काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि बॉडी लोशन है तो हम इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो गाइज़ बॉडी लोशन है हम इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप इसे फेस पे अप्लाई करते हो तो, तो इस पर लिखा हुआ है अप्लाई डेली ऑल ओवर द फेस एंड बॉडी हम इस वाले बॉडी लोशन को डेली अप्लाई कर सकते हैं फेस पे भी और बॉडी पे भी नेक्स्ट इस पर लिखा है फ्रूट बूस्टर्स मेक एक्सेलेंट नेचुरल मॉइस्चराइजर्स सेकेंड लिखा है इस पर आलमंड ऑयल कंटेंस विटामिन ई विच हैव्स रिन्यू स्किन थर्ड इस पर लिखा है जोजोबा ऑयल सॉफ्ट स्किन गिविंग इट अ यॉथफुल ग्लो तो ये चीज़ इस बैक साइड में मैंशन कर रखी है एंड गाइज इस पर तीन इमेजेस दे रखी है बैक साइड में सबसे पहली इमेज दे रखी है मॉइस्चराइज की पहला सबसे पहला मॉइस्चराइज़ करता है हमारी स्किन को हमारी बॉडी को सेकंड ये रिन्यू करता है यानी कि हमारी स्किन को हमारी बॉडी को नया बनाता है थर्ड सॉफ्टेंस यानी कि हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है एंड गाइस ये जो बॉडी uh, लोशन है बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है हम इस वाले बॉडी लोशन को ईजिली ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में हमें ये मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर हम इस वाले बॉडी लोशन का डेली यूज करते हैं तो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाता है

सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सेफ़ है क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले पर्सनस गर्ल्स बॉयज ऐसे होते हैं उनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कोई भी क्रीम बॉडी लोशन उनकी स्किन पे सूट नहीं करता जल्दी से तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सेफ़ है एप्लीकेशन एरिया की बात की जाए तो हम इसे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं एंड फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं बात की जाए कि इस वाले बॉडी लोशन को कौन यूज़ कर सकता है मैंस यूज़ कर सकते हैं या वुमेन यूज़ कर सकती है तो गाइज़ इस वाले बॉडी लोशन को मैंस एंड वुमेन्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं ऐसा इस पर कुछ नहीं लिखा है कि ये सिर्फ मैंस के लिए है या फिर वुमेन्स के लिए है मैंस और वुमेन्स दोनों के लिए अच्छा बॉडी लोशन है बात की जाए कि इस वाले बॉडी लोशन को हम डेली यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो गाइज़ गैस इस वाले बॉडी लोशन का डेली यूज हो सकता है डेली हम इस वाले बॉडी को यूज़ कर सकते हैं बात की जाए कौन से स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है तो ये गाइस ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है ऑल स्किन टाइप्स वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो कॉम्बिनेशन स्किन हो सेंसिटिव स्किन हो नॉर्मल स्किन हो कोई सी भी स्किन टाइप वाले पर्सनस हैं वो इसे यूज कर सकते हैं ईजिली अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई फॉर फेस फेस को ये हमारे अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है एंड नरिश रखता है बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजेशन का काम करता है हमारे फेस पे एंड नरिशमेंट का काम करता है बात कीजिए अप्लाई फॉर बॉडी सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है सॉफ्टनिंग एंड स्मूथनिंग देता है हमारी बॉडी को बात कीजिए इसका फॉर्मूला कैसे है तो गाइस हमें इसका लाइट वेट फार्मूला मिल जाता है इसमें जो आलमंड ऑयल मिलाया गया है वो हमारी ड्राइनेस को रिड्यूस करने का काम करता है एंड इसमें जो एप्पल एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट बनाने का काम करता है सो so गाइज बात कीजिए इसे अप्लाई करने की एंड इसके टेक्स्चर की तो मैं आप लोगों को इसका टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ एंड इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं एंड इस तरीके से लॉक कर सकते हैं तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट इसका टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फार्मूला है इसका एंड आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर के अंदर से हमें ये बॉडी लोशन मिलता है बात की जाए इसकी फ्रेगरेंस की तो गाइस इसमें से हमें बहुत माइल्ड फ्रेगरेंस मिल जाती है बहुत लाइट वेट फ्रेगरेंस मिल जाती है बिल्कुल फ्रूटी फ्रेगरेंस मिल जाती है हमें इसमें तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जस्ट मैंने अभी अपनी स्किन पे अप्लाई किया बहुत ही जल्दी इजिली ब्रांड हो गया मेरी स्किन में तो गाइज बात कीजिए ये जो बॉडी लोशन है मैंने कहाँ से परचेज किया तो कौन सी ऐप से परचेज किया तो गाइज ये वाला बॉडी लोशन मैंने शॉपसी ऐप से परचेज किया है इसका जो बॉक्स है वो फ्लिपकार्ट का रखा है बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय नहीं किया फ्लिपकार्ट से परचेज नहीं किया ये मैंने शॉपसी से बाय किया है शॉपसी और फ्लिपकार्ट ऐप एक तरीके से एक ही ऐप है दोनों तो गाइज़ बात की जाए आप लोगों को ये बॉडी लोशन कहाँ से मिल जाएगा तो आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ही आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा अमेजॉन पे भी फ्लिपकार्ट भी शॉपसी पे भी मीशो पे भी नाइका मिंत्रा पर्पल हर ऐप पे ये हर साइट पे अवेलेबल है और अगर आप लोग ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से या फिर किसी भी कैमिस्ट्री की शॉप से और बात की जाए इसकी क्वांटिटी की तो आपको इससे छोटे वाला पैक भी मिल जाएगा अगर आपको 300 हंड्रेड वाला नहीं परचेज़ करना आपको ट्रायल के लिए छोटा पैक परचेज करना है तो आप छोटा पैक भी इसमें परचेज़ कर सकते हैं इसका छोटा पैक भी आता है अगर आपको इससे बड़ा पैक परचेज़ करना है तो इससे बड़ा वाला पैक भी परचेज़ कर सकते हैं सो गाइज ये बॉडी लोशन विंटर सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है विंटर सीजन के लिए जो पर्सन अपने लिए अच्छा सा बॉडी लोशन देख रहे हैं तो आप ये वाला बॉडी लोशन जरूर ट्राई कर सकते हैं एंड इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ और भी बॉडी लोशन के रिव्यू शेयर कर रखे हैं जैसे कि निविया का बॉडी लोशन निव्या का ड्राई स्किन वाला भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है वेरी ड्राई स्किन वाला भी आपके साथ शेयर कर रखा है सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड गायस आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए नई वीडियोस लाती रहूंगी एंड गाइज अपनी फैमिली फ्रेंड्स नेब सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए सो गाइज अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है इस बॉडी लोशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो एंड आई सी यू एज म नेक्स्ट वीडियो बाय बाय